जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भेड़ी कोना के बुराई नदी में 1994 से निर्मित पुल काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी है। इस पुल से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से आने जाने वाले ट्रकों का आवागमन होता है, जिसमें कई क्षेत्रीय प्लांटों सहित अन्य राज्यों के प्लांटों में ट्रकों के माध्यम से सामानों को लाया और ले जाया जाता है। ये पुल इतना संकरा है कि सिर्फ एक ही ओर से आवागमन होता है। कभी कभी अचानक तेज रफ्तार या भीमकाय वाहनों के ड्राइवरों की अनदेखी के कारण हमेशा राहगीरों को ट्रकों के सामने हादसे का शिकार होना पड़ता है, मगर PWD व प्रशासन को शायद किसी बड़ी गंभीर हादसे का इंतजार है। ठीक है, 1994 से पुल बन चुके हैं कभी जाने का, और गाड़ी है कम से कम 4 किलोमीटर से कतार लगा थे, सिंगल गाड़ी चला थे पुल में, और आदमी बहुत हादसा होते जगह में, हर साल 2-5 ठीक हो जाते, नदी में भी गिर जाते। एकर लिए मैं भूपेल बघेल अनुरोध करा था कि जल्दी से जल्दी अला बनाए प्रयास करें और गांव के निस्तार जल्दी करने का प्रयास करें। 1994 से बने हैं और यहाँ उतना दिन से इतना गाड़ी चल रहा है कि जिससे भारी भारी लोड गाड़ी चल रहा है, सिंगल जाना है आना है, तो कई प्रकार से यहाँ दुर्घटना हो जाते हैं और क्षतिग्रस्त होने वाला है पुल। तो इसके लिए सरकार से माने देखना चाहिए कि दूसरा पुल बनने का भी प्रयास करेंगे। हम ले चाहिए कि यहाँ पुल टूट गए, बहुत दिन हो गए है, ये टूट गए और जर्जर हो गई, टूटने वाला है, बहुत एक्सीडेंट होते, जेला बनवा के यह कराए। हम जब देखें तब जर्जर है और कभी भी टूट सकते, जेला बनवावा है। यहाँ के जो भी अधिकारी तलाकवत कराए चुके हैं तब भी अनदेखा करा थे। TCP 24 न्यूज़ के लिए जांजगीर चांपा से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।